तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करेंगे पिवट टेबल के बारे में। पिवट टेबल का क्या इस्तेमाल है आज हम आपको अपनी इस क्लास में बताने जा रहे हैं। तो चलिए हम अपनी रिकॉर्डिंग फैसिलिटी शुरू कर दिए, साथ में हम कंप्यूटर स्क्रीन आपको देते हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बताया था कि पिवट टेबल का यूज होता है किसी भी डेटा को समराइज करने के लिए। जी हाँ, समराइज, किसी न किसी एंगल पर डेटा को समराइज करना हो तो हमें यूज करना होता है पिवट टेबल। पिवट टेबल जिसका यूज हम लोग जनरली ऑफिस में रिपोर्ट्स बनाने के लिए करते हैं, और अभी हमने आपको बताया कि डेटा समराइज करने के लिए करते हैं। तो रिपोर्ट होता है हमारा किसी डेटा की समरी। अगर कोई भी रिपोर्ट आप बनाते हैं तो समरी ऑफ द डेटा ही होता है। तो आपके सामने डेटा है, एक बार डेटा को देख लीजिए। सेल्स का डेटा है, इसमें सेल्स की आईडी है, डेट है, सेल्स का मोड है, कस्टमर आईडी है, नेम है, स्टेट है, सिटी है, प्रोडक्ट की आईडी है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, एमआरपी है, टोटल है, टैक्स लगा हुआ है, कार टोटल है, कितने कॉल्स किए गए हैं, किस साइट से बेचा गया और किस मंथ का है सेल। अब मान लीजिए मुझे जो निकालना है वो मुझे निकालना है कि किस मंथ में किस पर्सन ने कितनी क्वांटिटी सेल की, जस्ट मुझे पता करना है। तो हम डेटा को रखेंगे, पिवट टेबल में जाएंगे। तो पिवट टेबल में इंसर्ट में पिवट टेबल होता है, उसमें आपको एक रिकमेंडेड पिवट टेबल भी होता है। जैसे कुछ आइडिया नहीं लग रहा है किस तरह का पिवट टेबल बनाऊं, तो आप रिकमेंडेड पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपके डेटा को एनालाइज करके करीब 5-6 पिवट टेबल आपको रिकमेंड करेगा। आपको इसमें से सिलेक्ट करके देखिए जो पिवट टेबल आपकी यूजफुल है, तो कि आपको लग रहा है कि ऐसा ही चाहिए था मुझे, तो आप ओके कर दीजिए, सेम लग जाएगा। नहीं तो अदरवाइज आप यहाँ पिवट टेबल पे क्लिक करें और आगे कुछ नहीं करने की जरूरत है, जस्ट ओके पे क्लिक कर दें। ओके पे क्लिक करते हैं, पिवट टेबल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, जब पिवट टेबल आप यहाँ कर रहे हैं तो जब भी पिवट टेबल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको पिवट एरिया बोलते हैं, आपको यहाँ पे बहुत सारे फील्ड दिखेंगे। ये फील्ड कौन से है, आपके डेटा के फील्ड। यहाँ ध्यान रखिएगा कि आपका हेडिंग कोई ब्लैंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि पिवट टेबल आपको हेडिंग को ही उठाता है, कंसीडर करता है। तो प्लीज ऐसा कीजिए कि उसमें ना हो। उसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, अब यहां पे आपको फील्ड को उठा के इन चार खानों में रखना है, सिंपल सा। आपका रिपोर्ट यहां बनता जाएगा। हमें चाहिए मंथ बाई सेल, हमने मंथ को रो में रखा। हमें चाहिए पर्सन बाई सेल, तो हमने जो हमारे पर्सन के नेम है उनको हमने कॉलम में रखा। और मुझे चाहिए क्वांटिटी का टोटल, जो जिसका टोटल निकालना है उसको हमेशा इस वैल्यू वाले फील्ड में रखा जाता है। यहाँ आपका टोटल बनकर लिख गया। अब बोला नहीं मुझे नेम इधर होना चाहिए, तो आप नेम को स्वैप कर सकते हो इस तरह से, तो आपका इस तरह का रिपोर्ट आएगा। अब इसके ऊपर फॉर्मेटिंग की बात हुई, तो आप यहां जो नॉर्मल फॉर्मेटिंग करते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल फॉर्मेटिंग की सलाह मैं नहीं दूंगा। रीजन ये है कि अगर कल के डेट में पिवट इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, तो आपका ये इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा आपका डेट, क्योंकि जो नॉर्मल फॉर्मेटिंग हमने किया है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्सेल, इसलिए हमने ऐसा बोला। तो यहां से हम इस तरह से कर सकते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें फॉर्म, इसमें आपको फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट टेबल है, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हम सिंपल बात करेंगे, डिजाइन में जाइए, ऊपर डिजाइन पिवट टेबल में जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे पाओ, यहाँ पे दो नए व्यू मिल जाएंगे, दो नए मेनू बार मिल जाएंगे, पिवट टेबल एंड डिजाइन। तो मैं डिजाइन में हम आएंगे और डिजाइन में देखिए यहाँ पे बहुत सारे पिवट के डिजाइन, जो डिजाइन आपको सुटेबल लगता है उसको आप चूज कर लीजिए। अब ऐसे इसलिए बोला हूँ कि ये पार्ट ऑफ द एक्सेल होता है, सॉरी ये जो है पार्ट ऑफ द पिवट टेबल होता है। तो अगर देखिए पिवट अगर इंक्रीज होता है तो ये भी अपने आप को इंक्रीज करेगा। इस तरह से रिपोर्ट हम बना सकते हैं।
क्लियर है प्रशांत जी एंड सिद्धांत जी? इसमें आप डिजाइन में गए ना? हाँ डिजाइन में। अच्छा एक बात थी, हाँ बोलिए। सॉरी अब जो फर्स्ट इनिशियली जो गए थे ना स्प्रेडशीट पे बिफोर इंसर्टिंग द पिवट टेबल, तो वहां पे कंप्लीटली आपने कैसा सिलेक्ट किया था? आपने ए पे क्लिक किया था, वन पे क्लिक किया? वो आपने ऑटोमेटिक देखिए, आप एक ध्यान रखिएगा पिवट टेबल लगाने से पहले एक बार डेटा को देख लीजिए, डेटा में कोई पूरी की पूरी ब्लैंक रो नहीं है। जैसे होता है ना अगर आपके यहाँ अगर इस तरह का पूरी ब्लैंक रो है तो आपको डेटा को मैन्युअली पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा, समझे? अगर कंप्लीटली कोई ब्लैंक रो या ब्लैंक कॉलम नहीं है तो आपको डेटा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप इस पे कर्सर रखिए, इंसर्ट पे जाइए, पिवट टेबल पे क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली देखिए पूरा यहाँ पे देखिए 3914 ले लिया, पूरा का पूरा डेटा ऑटोमेटिकली ले लेगा वो, ऑटो लेता है जी। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे चाहिए सेल्स मोड वाइज पर्सन वाइज टोटल क्वांटिटी, तो मैंने नेम को यहाँ रख दिया, सेल्स मोड को यहाँ रख दिया और यहाँ पे हम अपनी क्वांटिटी लेते हैं। अब क्वांटिटी के साथ साथ मुझे एमआरपी का एवरेज भी चाहिए, तो मैंने एमआरपी को यहाँ रखा और यहाँ हमने एवरेज कर दिया। वैल्यू फील्ड सेटिंग जो यहाँ पे दिख रहा है, वैल्यू फील्ड सेटिंग यहाँ पे गया और यहाँ पे इसको एवरेज कर दिया, यहाँ देखिए एवरेज आ गया। मुझे इसमें फिर टोटल भी चाहिए कि तुम्हें ग्रांड टोटल को लिया यहाँ रख दिया, मुझे टोटल कॉल्स भी चाहिए टोटल कॉल्स को भी रख दिया। अब प्रॉब्लम हो गया कि ये थोड़ा सा पिवट टेबल में आपको समझ में नहीं आ रहा ना सर, काफी बड़ा हो गया। और दूसरी चीज क्या होती है कि जो आपने सेल्स मोड को यहाँ पे रखा है ना, तो इस कॉलम में 265 हेडिंग ही आ सकती है। आपके पास अगर सेल्स मोड मान लीजिए मेरा अगर ज्यादा होता तो ये यहाँ पे दिक्कत हो जाता, उस केस में हम क्या करेंगे, ये हमारा पेरेंट होगा, इसके नीचे हम इसको चाइल्ड को रख देंगे, मतलब कि इसका सब हेडिंग कर देंगे, तो रिपोर्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इसमें एक और भी अच्छा बात है कि जो आपका ये प्लस माइनस का निशान दिखा रहा है तो इस पर क्लिक करेंगे तो प्लस हो जाएगा, कोलैप्स एक्सपेंड करते हैं। यहाँ आपको पिवट टेबल एनालिसिस में आपको यहाँ दिखेगा ये आपका कोलैप्स, ये आपका एक्सपेंड, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका समरी उधर समरी हो गया, कि आपने डेटा छोटा डेटा बना के दिखा दिया। अब मोहन को पता करना है कौन कौन मोड में मोहन ने सेल किया है, तो बस इस पर क्लिक कीजिए मोहन का पूरा निकल जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे रो लेबल लिखा हुआ, मुझे इस पर नेम चाहिए होगा ना, तो आप यहाँ इसको चेंज कर सकते हैं। मतलब आप पिवट टेबल में कोई भी हेडिंग और रो में डली गई वैल्यू, कॉलम में डली गई वैल्यू को चेंज कर सकते हो। सिर्फ किसको चेंज नहीं कर सकते, जो कैलकुलेट होके आया है, मतलब कि जो यहाँ इसमें डला हुआ है उसको चेंज नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम इसमें है कि अगर मैं इस तरह का रिपोर्ट तब बनाऊंगा जब हमें किसी को एज ए रिपोर्ट एज ए पिवट टेबल भेजना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें रिपोर्ट को एज ए पिवट टेबल नहीं भेजना होता है, हम लोग इस पे लेते हैं कुछ और चीजें करते हैं देन बेस्ट, क्योंकि अब इसको हम कॉपी करके मान लीजिए कि पूजा को मैंने कॉपी किया और किसी अलग सेल पे वैल्यू पेस्ट कर दिया, तो आप बताना मुश्किल हो जाएगा कि नेम कहाँ पे है और हमारा सेल्स मोड कहाँ पर है। सो हम चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉलम, मतलब कि एक कॉलम में हमारा नेम हो, अगले कॉलम में हमारा मोड हो। उसके लिए आपको डिजाइन में ही रिपोर्ट लेआउट पे यहां आपको टेबुलर फॉर्म या आउटलर फॉर्म में क्लिक कर दीजिए, आपको इस तरह से रिपोर्ट आ जाएगा। अब यहां में दिख रहा है कि हर किसी के नीचे एक सब टोटल लगा हुआ है, जैसे पूजा का टोटल, नीरज का टोटल। अब आप इसको चाहते हैं कि रखे तो ठीक है, नहीं आते हटा देना चाहते हैं तो इस पर राइट क्लिक कीजिए, सब टोटल नेम आपका हट जाएगा। आगे अब यहाँ पे भी कॉपी करके भी कहीं पेस्ट करेंगे तो छोटी सी प्रॉब्लम और है। क्या प्रॉब्लम है कि जो पूजा दिख रहा है ये सिर्फ यही पर है। अगर मान लीजिए मैंने इसको रिपोर्ट को कॉपी कर लिया और हमने यहाँ पे वैल्यू पेस्ट कर दिया, तो
तो अब मैं इस पर फिल्टर नहीं लगा सकता, क्योंकि मान लीजिए फिल्टर लगाऊंगा, मान लीजिए मैं कविता का या किसी का फिल्टर लगाता हूँ, मतलब इंद्र का ही लगाता हूँ, तो एक का है इंद्र का, जबकि इंद्र यहाँ पे आप देखेंगे कि इंद्र का कई सारे, तो ये ब्लैंक था। अब पिवट समझता है कि इंद्र के नीचे के जितनी भी है सब उसका है, लेकिन नॉर्मल डेटा तो ही समझता है। सो नीड टू कि मैं यहाँ पे नीचे तक ड्रैग कर, इस तरह। तो ये चीजें मैनुअल करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, बट पिवट टेबल में ऐसा ऑप्शन है डिजाइन में, जहां आप रिपोर्ट लेआउट लिया है वही आपका दिखेगा, रिपीट ऑल आइटम लेबल, रिपीट ऑल आइटम लेबल, तो हर आइटम को वो इस तरह से रिपीट कर देगा, तो आपको बेनिफिट हो सकता है। और कभी कभी लोग क्या करते हैं कि जो दो मान लीजिए यहां पे दिख रहा होगा ना पूजा और नीरज, इसके बीच में एक ब्लैंक रो इंसर्ट करते हैं सेपरेशन के लिए, कई रिपोर्ट्स में दिखा गया, तो यही भी आपको दिखेगा, इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम। अब मुझे वापस उसको हटा के सही करना है, तो यही पे आता है नॉट रिपीट, यही पे आता है यहाँ पे रिमूव ब्लैंक लाइन और यहाँ पे डू नॉट रिपीट। इस बार मुझे रिपीट नहीं करना है, इस बार मुझे मर्ज करना है, इसको सेलेक्ट करके से मर्ज करते हैं। तो यहाँ भी प्रॉब्लम है कि एक एक मर्ज और सेंटर करते चले जाएंगे तो टाइम लगेगा। तो यहाँ हम एक ऑप्शन होता है हमारे पास, राइट क्लिक पिवट टेबल ऑप्शन, यही पे आपको दिखेगा मर्ज एंड सेंटर सेल्स, क्योंकि मैनुअली मर्ज नहीं कर सकते पिवट में। अब थोड़ा सा पहले से बेटर रिपोर्ट लग रहा है। तो प्रशांत जी या श्रीनाथ जी कोई डाउट है आपको? चलिए अब यहां पे एक चीज और देखिए, मैं काम करता हूँ सेल्स मोड को हटा देता हूँ, यहाँ से नहीं बना देता हूँ। तो अब जैसे मैं रिपोर्ट, अब मैं यहाँ पे रिपोर्ट ये पूरा खाली कर देता हूँ, एक चीज दिखाना चाह रहा था, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे नेम का आया, मैंने यहाँ पे क्वांटिटी दे दिया तो इसके आगे क्वांटिटी आ गया, अभी तक यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने MRP को रखा यहाँ पे तो यहाँ पे वैल्यू आ गया, मैं हटा देता हूं तो वैल्यू नहीं आता है। तो ध्यान रखिएगा कि जैसे आप मोर देन वन फील्ड को वैल्यू फील्ड में रखते हैं, कॉलर में यहाँ पे इस तरह का संभव वैल्यू का साइन आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि आप जो वैल्यू में चीजें रख रहे हो वो कॉलम वाइज आगे की तरफ बढ़ेगी। अब मैं यहाँ वैल्यू को उठा के अगर यहाँ नेम के नीचे रख दिया तो इस तरह से डेटा हो जाएगा कि हर एक नेम का कैलकुलेशन रो वाइज जाएगा, बाकी कॉलम वाइज। तो आप लोगों को जिस तरह की जरूरत है उस तरह कर सकते हैं। दूसरी कि बाय डिफॉल्ट यहां जब किसी फील्ड को उठा के अगर आप वैल्यू में रखते हैं तो बाय डिफॉल्ट सम या काउंट आता है। सम कब आता है? सम आता है जब उसका कॉलम में सिर्फ नंबर्स हो, जैसे कि क्वांटिटी और MRP में नंबर्स थे डेटा के। अगर टेक्स्ट होगा तो काउंट आएगा, बट हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने सम ऑफ MRP को लिया और यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग पे चले गए। वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ बहुत सारे कैलकुलेशंस है, जैसे कि यहाँ पे सम, काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट, काउंट नंबर, डेविएशन, आपको दिख रहा है, ये सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं एवरेज रख देता हूं, तो यहां पे एवरेज आ गया। अब आप देख रहे हैं कि एवरेज में कुछ इस तरह का आया हुआ है, नंबर डेसिमल जा रहा है, तो आप यहां से फॉर्मेटिंग को कम या ज्यादा कर सकते हैं डेसिमल।
लेकिन जैसे आप इसको रिफ्रेश करते हैं, इसमें फर्क नहीं है, मैं डेटा में रिफ्रेश कब करेंगे, जब हम डेटा में कुछ चेंज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे 500 कर दिया, अब मैं इस 500 को यहां रिफ्लेक्ट करने के लिए मुझे डेटा को रिफ्रेश करना होगा। डेटा को रिफ्रेश किया, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं एक बार इस कॉलम को छोटा कर देता हूं और थोड़ा सा और इसको छोटा कर देता हूं। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है, राइट क्लिक कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, रिफ्रेश करते ही बड़ा हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि पिवट टेबल ऑप्शन में यहां पे ऑप्शन क्लिक होता है, ऑटो फिट कॉलम कॉलम विड्थ विद और अपडेट, मतलब जैसे ही अपडेट करूंगा ये अपने आप को ऑटो फिट कर लेगा, और प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग विद अपडेट, जो सेल की फॉर्मेटिंग है अपडेट होते ही प्रिजर्व हो जाएगी। तो अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए तो यहां से आप रिमूव कर सकते हैं। ओके यहां से कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या इसके ऊपर हम विजुलाइजेशन लगा सकते हैं, जैसे कि चार्ट्स वगैरह। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से एवरेज एमआरपी हटा देता हूँ। जी हाँ, जरूर लगा सकते हैं आप। जो है यहाँ पिवट टेबल एनालाइज में ही आपको यही पे आता है पिवट चार्ट, यहाँ से आप जो मर्जी जैसा मर्जी चार्ट चाहिए वो चार्ट यहाँ से आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अब जरूरी नहीं कि आप पिवट टेबल टूल्स में ही जाके चार्ट लगाए, आपको चार्ट लगाना है तो डायरेक्ट आप चार्ट यहां से भी लगा सकते हैं, जहां से बाकी नॉर्मल डेटा पे लगाते हैं आप वहां से भी चार्ट लगा सकते हैं। यहाँ इस पे क्लिक कीजिए, जो चार्ट चाहिए क्लिक कीजिए, लगा दीजिए। लेकिन ये लगेगा आपका पिवट चार्ट है। पिवट चार्ट की खासियत क्या होता है कि आपके पिवट के साथ तो कनेक्टेड होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूं, जैसे मैंने ऐड कर दी टोटल कॉल्स को, तो ऑटोमेटिक इसमें टोटल कॉल्स ऐड हो गया। मैं रिमूव करूंगा तो रिमूव हो जाएगा। मैं यहां मंथ डाल देता हूं तो देखिए यहां मंथ वाइज चल आ गए, या फिर मैं मंथ को यहां नेम में डालता हूं तो कुछ इस तरह का चल आ गया। मैं इसको यहां पे करता हूं तो इस तरह से हो जाता है। मैं कहता हूँ मैं मंथ कटाता हूँ, मंथ की जगह पे मैं यहाँ पे सेल्स मोड डाल देता हूँ तो कुछ इस तरह का सेल आ गया कि मैं पूजा 3 में सेल हुआ है। ऊपर नीचे कीजिए तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से इसके अंदर डाल सकते हैं। और जैसे यहाँ चार्ट पे क्लिक करते हैं तो डिजाइन का एक और टैब होता है। अब यहाँ पे पिवट का डिजाइन नहीं है, यहाँ पे चार्ट का डिजाइन, क्योंकि हमारा सिलेक्टेड चार्ट है। अब मुझे पिवट का डिजाइन भी जानना है तो पिवट पे क्लिक कीजिए, अब यहाँ पे आपका पिवट का डिजाइन आएगा। चार्ट को सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आपको चार्ट का डिजाइन आएगा। ओके चलिए, तो आप लोग क्या कीजिए, फटाफट इसको अपने हिसाब से यूज कीजिए, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कॉल कीजिए। ओके टुमारो सेम टाइम जी जी जी